तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेक्स रिएक्शन। तो आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सभी को मेरे तरफ से सलाम, दुआ और नमस्ते। अंदर की ना चैनल पर ना वेलकम, अंदर तेलुगु ऑडियंस की वेलकम, सभी तेलुगु ऑडियंस और सभी ऑडियंस को मेरा वेलकम है चैनल पर। तो गम्मी टीज़र मैंने देखा था कि बहुत ही एक अघोरी का स्टोरी था, तो बहुत ही एडवेंचरस था। उसका ट्रेलर आया है अभी, गम्मी ट्रेलर आया है जो कि विश्वक सेन एज ए हीरो है। तो बहुत ही मतलब साउथ के एक्टर हैं वो। देखते हैं गाइस, मतलब मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, नानु चाला चाला एक्साइटेड गा उन्नानु ई गम्मी ट्रेलर गुरिंची। चूद्दामु एला उंदी एम उंदी अनी। पहले देखते हैं गाइस, मतलब देखते हैं ट्रेलर में क्या है कैसा है बोल के, तो उसके बाद में बात करेंगे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए गाइस। तो चलिए गाइस, पहले ट्रेलर देखते हैं उसके बाद में बात करेंगे। फर्स्ट चूद्दामु वल्ला माट्लाडदामु गाइस। ओके स्टार्ट। ఎఫెక్ట్స్ స్టార్టింగ్ మై ఎఫెక్ట్స్ నేను ఎవరు అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, మా కహాన్ సే ఆయా హూ, నాకు ఈ సమస్య ఎప్పటి నుంచి ఉందో, అసలు ఎక్ ప్రాబ్లమ్ హై హీరోకో, ఎంత ప్రయత్నించినా గుర్తు రావట్లేదు, ఇక మా మేలు కోసం నువ్వు ఈ ఆశ్రమం వదిలిపెట్టి పోవాలి, తనకున్న సమస్యతో అసలు ఎక్కడికి వెళ్తాడు, ఎలా బతుకుతాడు। अच्छा हीरो को निकाल रहे हैं, अघोरी भी निकाल रहे हैं, मतलब यहां से निकल जाओ बोल के। अच्छा ये साइंटिस्ट ఊరోళ్ళ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే గత 10 ఏళ్ళుగా అమ్మవారికి సేవ చేసుకుంటూ వస్తున్న దుర్గని దేవదాసిగా తీసేయడం జరిగింది। దుర్గలి నువ్వా? దుర్గ కూతురు కదా। అచ్చా తీన్ మెయిన్ క్యారెక్టర్ హై ఇస్ మూవీ కే, దుర్గా సైంటిస్ట్ అండ్ అఘోరా శంకర్। ముజే ఐసా లగ్ రహా హై భాయ్, బహుత్ హీ అబ్ తక్ తో బహుత్ హీ మజేదార్ హై ట్రైలర్, చాలా చాలా బాగుంది। హిమాలయ శ్రేణిలో ఉండే ద్రోణగిరి అనే పర్వతం మీద ప్రతి 36 సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి వచ్చే వైద్రతి దినాడు స్వయం ప్రకాశితులైన మాలిపత్రాలు వికసిస్తాయి, అవి మనిషి స్పర్శతో నీకున్న సమస్యను కూడా తీర్చగలవు। ఒకవేళ ఈ పక్షం దాటితే ఇంకో 36 సంవత్సరాల వరకు ఆగాలి, నువ్వు త్వరగా హిమాలయాలకు బయలుదేరాలి। అడ్వెంచరస్ జర్నీ అనే వాటి హిమాలయ ప్రాబ్లం లేకుండా త్రివేణి చేరుకునే రూట్ నాకు తెలుసు, ఇక్కడ బతకలేను, నా వల్ల కాదు, నీ వల్ల నేను దొరికిపోవచ్చు। ఊరంతా చల్లగా ఉండాలంటే దేవదాసిని ఎలా తిరిగి తీసుకురావాలో చూడు। నన్ను ఇంకెప్పుడు వదిలేసి వెళ్ళకమ్మా। ఐస్ హస్ బికమ్ డేంజరస్లీ థిన్ అప్ దేర్, ఆప్కి జాన్ కో ఖతరా హో సక్తా హై। समय आ गया है पापियों को ठीक करने का। ये सब्जेक्ट नीता वाला लग का दू। ये विषय ऊर्ल तेलिक मुंदे आ एम्मी रहस्यं काली पूर्दे पोवला। वाळ्ळ गायालकु नुव्वु बाधनु मोस्तुन्नावु। इट्स गोइंग टू बी अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी। लाइफ लॉन्ग इंको मनुष्य मुट्टुकोकुंडा इलाने उंडगलवा? सुपर भाई, चाला 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 बागुंदी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एडवेंचरस लगा मुझे। तो बहुत थ्रिल है, थ्रिल लगा। चपेदेटे शंकर त्री दींटो त्री क्यार्टर्स उ, मेरा कहने का मतलब यह है कि तीन क्यार्टर हैं जो कि शंकर, दुर्गा एंड वो साइंटिस्ट। इन तीनों का कनेक्शन कुछ तो है भाई, मतलब शंकर एज ए हीरो जो कि उनको एक प्रॉब्लम रहता है, जो कि एक बीमार रहते हैं,
उसका क्योर पता करने के लिए सारे मतलब अघोरा, वो भी अघोरा रहते हैं, उनको भगा देते हैं, तो वो हिमालय के लिए एडवेंचरस जर्नी करते हैं ना, वो बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और VFX चाला चाला बागुंदी, VFX मुझे बहुत अच्छा लगा, VFX एफेक्ट्स स्पेशली वो टाइगर का जंप और वो रोर लास्ट में बहुत अच्छा लगा, और स्टार्टिंग में भी बहुत अच्छा लगा मुझे, चाला चाला एक्साइटिंग उंडा, चाला बागुंदी ट्रेलर। एंड एक आके हिंदू माइथोलॉजी का यूज़ किया है, और एक आके साइंटिफिक स्टोरी भी है, और तीसरा आके एक गाँव की लड़की की स्टोरी भी है, लेकिन तीन कैरेक्टर्स की, मेनली तीन कैरेक्टर्स की स्टोरी है। तो एक आके शंकर एज ए हीरो, विश्वक सेन, एंड अनदर वन इज़ एक साइंटिस्ट जो कि एक टेस्ट कर रहा है उसका, और तो एक विलेज का गर्ल जो कि दुर्गा है, उन तीनों का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। और इन तीनों का जर्नी मतलब हीरो एज ए जर्नी करके दिखाई दे रहे हैं, जर्नी हीरो चेस्ता उन्नारो बट साइंटिस्ट वच्ची एक्सपेरिमेंट चेस्ता उन्नारो, दीन इधर लो कनेक्शन कनपड़ता उंदी। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में कनेक्शन दिख रहा है साइंटिस्ट और हीरो में, लेकिन वो दुर्गा से देखना पड़ेगा मतलब गाइस कैसा है, मतलब माइथोलॉजिकल कनेक्शन होगा शायद। बहुत ही मस्त लगा मुझे तो, एक तो एक माइथोलॉजिकल, हिंदू माइथोलॉजी में जो बोलते हैं ना उसका एक फ्लेवर है, एडेड फ्लेवर है, हिंदू माइथोलॉजी फ्लेवर है, स्टोरी बेस हिंदू माइथोलॉजी है, उसके साथ साइंटिफिक स्टोरी भी है और एक एडवेंचरस थ्रिलर भी है, तो मस्त होने वाला है गाइस मतलब मूवी। एक रिपोर्टर भी दिख रही है मेरे को, तो ओका रिपोर्टर कूड़ा कनपड़ुतुंदी नाकंटू देखने के लिए, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, तो देखते हैं गाइस मतलब आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। March 8 को रिलीज़ होने वाली है, March 8 को रिलीज़ होने वाली है, तो बहुत ही मज़ा आया मुझे तो देख के, चला चला बागुंदी ट्रेलर, चुद्दाम एला उंदी एमुंदी अनी मूवी। VFX कूड़ा चाला बागुंदी देखने के लिए, VFX भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो देखते हैं गाइस मतलब March 8 को क्या कमाल दिखाती है मूवी। तो बस आज के लिए इतना ही कहना था मुझे, अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस आउट।